नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी, मैं मौजूद हूं रीवा के सर्किट हाउस में। दशहरे के एक दिन पहले की बात है, नवरात्रि का अंतिम लम्हा है। आप रीवा में मौजूद हैं, इस समय चुनाव का एक दौर चल रहा है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। अगर आगे आने वाले समय को देखा जाए तो चुनाव को लेकर सबसे पहला सवाल तो यही होगा, दशहरे का समय, चुनाव, तो आप इन दोनों चीजों को कैसे जोड़कर देखेंगे और क्या आप अपनी संभावनाएं देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो सभी साथियों को, सभी समुदाय के लोगों को दशहरे पर्व की बहुत बहुत शुभकामना, नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। ये जो पर्व है, शक्ति का पर्व है और दूसरी तरफ बुराई पे जीत का पर्व है कि हम सब कुछ अच्छी चीज़ें हासिल करें। और माँ दुर्गा की आराधना जो 9 दिनों से लोग कर रहे हैं, शक्ति भी अर्जित करें। दूसरा, कल विजयदशमी पर्व है, तो विजयदशमी पर्व क्यों मनाया जाता है ये सब जानते हैं। तो हम सब मिलकर अपने मन के रावण को मारें। रावण का दहन तो हर वर्ष होता है, पर मन का रावण आज हम सबको मारने की आवश्यकता है। नेक काम करें, जो भ्रष्टाचारी है, जो दुराचारी है, और ऐसे लोग भी है जो सत्ता में, सरकार में, अधिकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, बहुत सारे ऐसे लोग भी आज समाज सेवा के क्षेत्र में, हम दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इसमें पारदर्शिता लाने की आवश्यकता है। और यही हम कह सकते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी का जो उपदेश था, उनकी जो सोच थी, उन्होंने जो कर्मों के माध्यम से यथार्थ में बदलने का काम किया था, उस पे हम सबको भी चलने की आवश्यकता है। सिर्फ दिखावे का नहीं होना चाहिए, आज इसकी नितांत आवश्यकता है। आज हम झूठ फरेब बहुत कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर वो बातें कहीं यथार्थ में दिखाई नहीं देती। यह संकट लगातार गहराता चला जा रहा है। जब तक केंद्र में भाजपा की और प्रदेश में भाजपा की सरकार रहेगी, इस तरीके का संकट आम आदमी को झेलना ही पड़ेगा।